हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मल्टीज क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का अरिहंत का सैम्पल पेपर 4। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर पोर्ट। तो कौन सा यहाँ पे मेजर पोर्ट नहीं है, है ना? तो नहीं पे ध्यान देना है। तो कांडला तो है, तूतीकोरिन भी है, ये तमिलनाडु में है, एन्नोर जो तमिलनाडु में है, लेकिन जो कन्नूर है ना, ये पोर्ट के लिए नहीं, एक्चुअली बीचेस वगैरह, टेम्पल्स वगैरह इन सब के लिए जाना जाता है, और ये केरला में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कन्नूर, क्योंकि नॉट पूछ रहा है यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे आपको करेक्टली मैच्ड बताना है। तो ए देखेंगे, स्टेट विच हाईएस्ट डेंसिटी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा स्टेट जो है वो हाईएस्ट डेंसिटी वाला है, तो वेस्ट बंगाल है क्या? तो ये तो गलत हो जाएगा, वेस्ट बंगाल नहीं है। ठीक है, हाईएस्ट डेंसिटी बिहार। उसके बाद सेकंड बी बोल रहा है, स्टेट विद लो डेंसिटी। तो लो डेंसिटी के लिए कौन सा स्टेट फेमस है? वो अरुणाचल प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे, ये भी गलत हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है, स्टेट विद मॉडरेट डेंसिटी। तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा, आसाम में बिल्कुल मॉडरेट डेंसिटी है स्टूडेंट्स। एंड यूटी विद हाईएस्ट डेंसिटी। तो हाईएस्ट डेंसिटी दमन दीव में नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडरेट यानी एक अच्छी खासी जो डेंसिटी हम देख सकते हैं वो आसाम के अंदर है। ओके, उसके थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द डैश बेसिन। तो यहाँ पे जो हंटर गैदरिंग ये सब होता है ना, तो गैदरिंग जो प्रैक्टिसेस है ये सबसे ज्यादा कौन से बेसिन में की जाती है? तो ये है अमेज़न बेसिन। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011। तो यहाँ पे 2011 के सेंसस के हिसाब से आपको इंडिया का ग्रोथ रेट बताना है, तो ये है 17.64%। ए आंसर इज करेक्ट। उसके फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। तो लार्जेस्ट पोर्ट बताना है आपको, जहाँ पे कंटेनर सबसे ज़्यादा जो रखे जाते हैं, आपके यूज होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, तो ये है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। आंसर डी इज करेक्ट। तो जवाहरलाल नेहरू जो है ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट बोला जाता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इतने बड़े बड़े जो ये कंटेनर्स रखे गए हैं ना, तो ये इसी के लिए जाना जाता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ रिवर हैव द बेस्ट क्वालिटी वाटर। तो कौन सी रिवर्स हैं जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी वाटर पाया जाता है? तो वो रिवर्स हैं आपकी जो माउंटेन से निकलती हैं, जैसे गंगा है, जिसका भी पानी माउंटेन से निकल के नीचे बह के आ रहा है ना, तो वो पानी जो है सबसे ज़्यादा प्योर माना जाता है, और उसकी जो क्वालिटी होती है वाटर की वो बेस्ट होती है। ठीक है, डेल्टा का भी इतना नहीं होता है, प्लेन्स पार्ट पर भी इतना नहीं होता, गंदगी हो जाती है, और या वैलीज में, घाटियों में भी इतना अच्छा नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो माउंटेन से जो रिवर्स निकल के आ रही है, ओरिजिनेशन हो रहा है, वो आपका बेस्ट क्वालिटी वाटर हो जाएगा। उसका सेवेंथ क्वेश्चन पे मूव करेंगे, मैच द फॉलोइंग है यहाँ पे। तो पहला है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, ये कब लगा था? तो ये लगा था आपका 1974 में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट बी है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये कब लगा था? ये लगा था 1986 में। थर्ड है द वाटर सेस एक्ट, तो पानी पे जो टैक्स है ये एक्ट कब पास हुआ था? तो ये हुआ था 1977 में। एंड डी जो है वाटर पॉलिसी कब आई थी? ये आई थी 2002 में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2143। एट क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ने हैं और उनको सही से पहचानना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो पहला बोल रहा है, एन अनएजुकेटेड चाइल्ड कैन नॉट मेक द चॉइस टू बी अ डॉक्टर। तो अनएजुकेटेड है ना, तो वो अपनी चॉइस अगर डॉक्टर बनाना चाहता है तो क्या वो बन सकता है? क्योंकि वो अनएजुकेटेड है, पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, हिज एंड हर चॉइस has got limited by her lack of education। तो भाई पढ़ा लिखा नहीं होगा तो डॉक्टर कैसे बन जाएगा? ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो आंसर ए इज करेक्ट। नाइन्थ क्वेश्चन देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग रीजन गिवन बिलो इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आपको ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेंसिटी बतानी है। तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो कौन से कॉन्टिनेंट में पाई जाती है? वो एशिया में पाई जाती है। ठीक है, और सेकेंड वाली जो है ये किस में पाई जाएगी? अफ्रीका में पाई जाएगी। थर्ड जो है ये यूरोप में पाई जाएगी, और फोर्थ जो है ये आपकी अमेरिका में पाई जाएगी। ठीक है ना, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी 2431। तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे एक वन स्क्वायर किलोमीटर में ना, जैसे एक अगर हम स्क्वायर बना दें और इसकी जो चौड़ाई और लंबाई जो है ना ये 1 किलोमीटर रहेगी, तो इसके बीच में, इसके अंदर में जितना भी एरिया है उसके हिसाब से कितने लोग रह रहे हैं,
तो ऐसे हम डेंसिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है सबसे लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है पॉपुलेशन के मामले में वो है एशिया। 10th क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज द हाईएस्ट रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं वो कौन से रिवर्स से रिप्लेनिश्ड होते हैं यानी भरे जाते हैं, ठीक है। तो वो है आपका गंगा, है ना। हमारे भारत में जो गंगा है वो सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है। और ये क्या है, एक तरीके से न्यू रिवर है। न्यू रिवर का मतलब हिमालयन से जो रिवर्स निकलती है ना उनको न्यू रिवर्स बोला जाता है। तो इसमें पानी की जो मात्रा है वो बहुत अधिक है, इस वजह से यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा गंगा। एंड और ये जो है पूरा उत्तराखंड से निकलती है और आपके वेस्ट बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में जाती हुई और डेल्टा बनाती है आपका बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद 11th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज यूज्ड इन स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर। तो कौन सा मिनरल जो है वो आयरन ओर के लिए यूज किया जाता है, उसको इसमें कंबाइंड करके एक अलॉय करके उसको बनाया जाता है। तो मैग्नीज जो है वो कुछ इस तरीके का होता है स्टूडेंट्स। और तो मैग्नीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मिनरल है, एक केमिकल रिएक्शन करता है आयरन के साथ, तो जिसकी वजह से क्या है बहुत सारे जैसे रेलवे ट्रैक्स वगैरह है ना, इन सब में यूज़ होता है, राइफल्स वगैरह जो बनती हैं इन सब में यूज़ होता है। तो जो आयरन को स्ट्रेंथ देता है वो मैग्नीज है, ओके। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मूव करेंगे, 12th क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ने हैं और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है। पहला बोल रहा है रियरिंग इज टुडे प्रैक्टिस्ड एट द सब्सिस्टेंस और कमर्शियल लेवल। तो रियरिंग जो है ये एनिमल रियरिंग की बात कर रहा है और आज की डेट में जो है ये सब्सिस्टेंस या कमर्शियल लेवल में यूज की जाती है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें एनिमल रियरिंग जो है ये डिपेंड करती है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पे कि आपका एरिया कैसा है और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसा है, ठीक है ना। तो इसमें ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए, ठीक है। उसके बाद 13th क्वेश्चन पे मूव करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू द नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस जो है ये कौन से कॉन्सेप्ट में डाला हुआ है, ये है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। जहाँ पे क्या है जो ह्यूमंस है वो नेचर पर डिपेंड था एक तरीके से, तो नेचर के हिसाब से ही चलता था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ओके। उसके बाद 14th वाला बोल रहा है, देयर आर द टू स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये। तो असर्शन क्या बोल रहा है, रेलवे आर मोस्ट सुइटेड फॉर द लार्ज वॉल्यूम बल्की मटेरियल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ये बिल्कुल सही बात है, रेलवे जो है ये बहुत ही बल्की मटेरियल्स को कैरी कर सकता है जो ट्रेन वगैरह है। और रीजन है इसका, रेलवे नेटवर्क आर वेल डेवलप्ड एंड कैन रीच हिंडरलैंड्स। तो जो अंदरूनी एरिया होता है ना, अंदरूनी इलाके जो होते हैं वहाँ पे भी रेलवे नेटवर्क्स जो हैं ये बिछाए जाते हैं, मतलब लगाए जाते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ जो है ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे बात हो रही है बल्कि मटेरियल्स की और यहाँ पे बात हो रही है इनके रीच हिंडरलैंड्स की, ठीक है ना। तो लेकिन ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बट इट ये जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी इज करेक्ट, ठीक है, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद मूव करते हैं यहाँ पे, डायरेक्शंस दे रखे हैं कुछ 15 से लेके 17th क्वेश्चन तक के। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, ये पूरा जो आपका पैसेज दे रखा है ना, एक तरीके से जो केस स्टडी दे रखी है इसको पूरा पढ़ना है, उसके बाद इसके क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। द स्पार्शली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट आर, तो आपको स्मॉल सेटलमेंट जो है ये कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये है आपके विलेजेस, ठीक है। उसका सेकेंड बोल रहा है 16th वाला, सिटीज प्रोवाइड विच ऑफ दीज टू द रूरल एरियाज। तो सिटीज जो है ये रूरल एरियाज में क्या प्रोवाइड करते हैं, तो ये प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यानी फिनिश्ड गुड्स जो होते हैं ना, जो आइटम पूरा बन जाता है। उसका 17th क्वेश्चन देखेंगे, रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट डिफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट जो है आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कौन से इसके फॉलोइंग टर्म्स हैं। तो पहला बोल रहा है सोशल रिलेशनशिप, बिल्कुल सही बात है क्योंकि जो गाँव के रिलेशंस होते हैं बहुत ही इनका बॉन्ड अच्छा होता है, बहुत ही सिंपल लाइफ इनकी होती है, लेकिन जो शहर होते हैं उतने ही कॉम्प्लेक्स वगैरह उनकी जो लाइफ होती है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी होती है ना, बहुत चीज़ें ये लोग फेस करते हैं बाहर आके, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है ज़्यादा, ठीक है। एटीट्यूड बिल्कुल चेंज होता है, आपने देखा ही होगा गाँव के लोग जो होते हैं बहुत ही सिंपल सादे सीधे सादे से होते हैं, लेकिन गाँव जो शहर के लोग हैं उसके हिसाब से उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। क्या है, हम लोग उन लोगों को जज कर सकते हैं जैसे उन लोगों के पहनावे से, खान पान से, उनके रहने के स्टाइल से, है ना, उनके बात करने के तरीके से, तो इनसे क्या है ये डिफर हो जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट मूव करेंगे सेक्शन बी पे। तो यहाँ पे 18th क्वेश्चन जो है ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको ये पूरा सोर्स पढ़ना है, ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द रीजन। तो कौन से जो फीचर्स हैं वो डिसाइड करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को, तो ये डिसाइड करते हैं स्टूडेंट जो ह्यूमन और लैंड का जो रिलेशन है ना उसके हिसाब से वहाँ पे डेंसिटी पाई जाती है। सेकेंड देखेंगे विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट डज नॉट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लो पॉपुलेशन। तो कौन सा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ मतलब लो पॉपुलेशन डेंसिटी में नहीं आता है ना, तो यहाँ पे आपको नहीं पे ध्यान देना है। तो ये आता है आपका आसाम, क्योंकि आसाम जो है ये यहाँ पे मॉडरेट डेंसिटीज के अंडर में है। आसाम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, ये मॉडरेट डेंसिटीज में आते हैं। यहाँ पे अच्छी खासी आपको पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो हिमालयन रीजन है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, तो यहाँ पे क्या डेंसिटी बहुत लो रहती है, ठीक है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच स्टेट अमंग द सदर्न स्टेट इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड। तो साउथ में जो सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कौन सा एरिया है, तो ये है आपका केरला, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कर लेना करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे 19th क्वेश्चन देखेंगे, आपको ये पिक्चर है जो है इसको ऑब्जर्व करना है, अच्छे से समझना है कि किसके बारे में बात कर रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ओराइजन ऑफ दिस कैनाल। तो ये कैनाल की बात कर रहा है, हमारे भारत में जो सबसे लंबी कैनाल है ना इंदिरा गांधी कैनाल, उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो ये यहाँ से इसका ओरिजिनेशन होता है हरिकी बैराज से, ठीक है। सतलुज और व्यास रिवर जो है ना, तो यहीं से मतलब पंजाब में जो जो ये दोनों रिवर्स जो बहती हैं, तो वहीं के उसके मुहाने से ही ये यहाँ से निकलती है, ये नहर बनाई गई है मतलब, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कैनाल फॉर द कमांड एरिया। राजस्थान के 9 जो जिले हैं ना वो इस पर डिपेंड है एक तरीके से, इनकी जो इरिगेशन है वो इसी नहर के द्वारा होती है। तो यहाँ पे जो कल्टीवेबल एरिया है वो अच्छे से इंक्रीज हो सके, क्रॉप अच्छे से हो सके, तो इस वजह से इसको बनाया गया था, ठीक है, एक इरिगेशन पर्पज से ही इसको बनाया गया था। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाई इज द ईस्टर्न एरिया ऑफ कैनाल अंडर लिफ्ट इरिगेशन। तो यहाँ पे जो राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट है ना, तो उसमें लिफ्ट इरिगेशन जो है किस तरीके से की जाती है। अब जैसे क्या है, पानी आ रहा है, ठीक है, तो बीच में क्या है, अगर कोई डेजर्ट आ गया है या सैंड ड्यून्स आ गए हैं, बड़े बड़े टीले आ गए हैं, तो वहाँ से पानी चल नहीं पाएगा ना, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है, जो इसको लिफ्ट करके किसी भी तरीके से, जैसे पंप वगैरह से या किसी भी अदर मीन्स से उसको लिफ्ट करके, और जब पानी का फ्लो बनाया जाता है ना, तो उसको हम लिफ्ट इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल जो है ये कितने लिफ्ट इरिगेशन है, ये 7 है। सबसे पहले जो बनाया गया था वो 1 ही था, फिर बाद में जो है 6 लगातार बाद में बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो ये लिफ्ट इरिगेशन का मतलब यही है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या है, किस तरीके से जो इरिगेशन के लिए काम किया जाता है, वो इंदिरा गांधी कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है। अब मूव करेंगे सेक्शन सी पे। तो ये क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। 20th क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफाइन माइनिंग एंड इट्स वेरियस टाइप्स। तो आपको माइनिंग की डेफिनेशन लिखनी है और ये कितने तरीके की होती है वो लिखना है, ठीक है। तो माइनिंग क्या होता है, जो भी हम वैल्यूएबल मिनरल्स वगैरह को फाइंड आउट करते हैं ना, तो उसके लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं उसको माइनिंग बोलते हैं। और ये क्या है, दो तरीके की होती है, एक को बोलते हैं हम सर्फेस माइनिंग और दूसरे को बोलते हैं हम अंडरग्राउंड माइनिंग, ठीक है। तो सर्फेस माइनिंग जो है वो कुछ इस तरीके की होती है, जैसे ये क्या है, इसको सर्फेस माइनिंग बोलेंगे, इसको नॉर्मली ओपन कास्ट माइनिंग भी बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, मतलब एक तरीके से हम जो मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, वो इस हिसाब से करते हैं कि मतलब ये सर्फेस को खोदते जाएंगे और यहाँ पे क्या आपका डीप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके एडवांटेजेस हैं, क्योंकि ये काफ़ी चीप होती है, इजी होती है ना इसको करने के लिए, मतलब आपको डिगिंग करते जाना है, लेकिन ओपन जो है, पूरा जो चीज़ है ये सारी ओपन है। और नेक्स्ट है, इसका जो कॉस्ट होता है वो एक तरीके से लो रहता है, ये जो मेथड हम यूज़ करते हैं ये काफ़ी लो मेथड है, और आउटपुट जो है इसका लार्ज रहता है, बहुत ही रैपिड रहता है, ठीक है ना। तो ये जो माइनिंग है वो कुछ इस तरीके की होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अंडरग्राउंड माइनिंग। तो ये आप जानते होंगे, यहाँ पे क्या है, इसको एक तरीके से जो ये मिनरल्स हम फाइंड आउट करते हैं, तो इसके अंदर हमें सरफेस के नीचे जाना पड़ता है ना। तो ये जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इसकी वजह से बहुत सारी लोगों की डेथ भी हो जाती है जो इस काम में रहते हैं, बहुत पॉइजनस गैसेस वगैरह धरती के अंदर होती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि इसके लिए प्रॉपर लिफ्ट, ड्रिल्स, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके 21st क्वेश्चन पे मूव करेंगे, डिफाइन द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो आपको बताना है कि ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर किस तरीके का है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इनका जो नेचर है, और ये क्या है, एक तरीके से इंटर रिलेशनशिप बताता है नेचर के साथ ह्यूमन का, कि किस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है ना वो मतलब उसने सब चीज़ मॉडिफाई कर दी है, हर चीज़ बना डाली है, जैसे विलेजेस है, सिटीज़ है,
इंडस्ट्रीज हैं, फार्म्स हैं, पार्क हैं, ना ये सारी चीज़ें जो हैं इसने नेचुरल चीज़ों को ही एक तरीके से एक्वायर करके फिर ये सब बनाया है ना, इसने सब कुछ ये पूरा फेनोमेना है ये क्रिएट किया है पूरे नेचुरल रिसोर्सेज से, लेकिन जो है ह्यूमन जो है वो मॉडिफाई भी कर देता है फिजिकल एनवायरनमेंट को, तो ये इनका जो रिलेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इस तरीके से डाल देना। इसके जो आंसर्स हैं ना स्टूडेंट्स वो आपको PDF में मिल जाएंगे पूरे, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे 22nd क्वेश्चन में, व्हाट आर रीजन बिहाइंड राइज ऑफ सर्विस सेक्टर इन द वर्ल्ड, यानी सर्विस सेक्टर बढ़ने के क्या रीजन है वर्ल्ड के अंदर वो आपको बताना है, और इसका और में ही दे रखा है डिस्क्राइब टूरिज्म एंड इट्स प्लेस इन टर्शरी सेक्टर, तो टर्शरी सेक्टर में टूरिज्म का क्या रोल है, तो 22nd का आंसर देखेंगे कि किस तरीके से टर्शरी एक्टिविटी में जो सर्विस सेक्टर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, एंड मतलब फ्यू डिकेड से ना कुछ ज़्यादा ही इसका जो डेवलपमेंट है वो देखा गया है। तो अगर हम देखें इसके क्या फैक्टर्स रहे हैं, जैसे रैपिड अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण हो रहा है ना बड़ी तेज़ी से, जो शहरीकरण हो रहा है जिसकी वजह से क्या है सर्विस सेक्टर जो है बहुत बढ़ रहे हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर, और दूसरा है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी वजह से हॉस्पिटल्स वगैरह भी बढ़ रहे हैं, एजुकेशन सेंटर्स भी बढ़ रहे हैं, और बैंकिंग वगैरह भी बढ़ रही हैं, तो ये जो तीनों चीज़ हैं ये सर्विस सेक्टर में आती हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट है इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों का जो स्टैंडर्ड है लिविंग स्टैंडर्ड वो हाई हो रहा है, तो लोग जो है वो घूमने फिरने जाते हैं, टूरिज्म, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें भी बढ़ रही हैं, तो उसकी वजह से भी सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। एंड नेक्स्ट है राइजिंग इनकम, है ना, तो अगर इनकम बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा ना, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे क्या है टूरिज्म और एजुकेशन इसके मेन फीचर्स यहाँ डाल दिए हैं। उसके बाद लास्टली आप क्या डाल सकते हो, जैसे इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी से लोग अपडेट हो रहे हैं और उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव भी कर रहे हैं लोग, और जिसके रिजल्ट की वजह से क्या है जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये आंसर आप डाल देना। और मैं जैसे हमने देखा था कि टूरिज्म का क्या रोल है टर्शरी एक्टिविटी में, तो यहाँ पे जो टूरिज्म है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, और कुछ तो इस तरीके से हो रहा है कि 40% जो वर्ल्ड की GDP है ना वो टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड हो गई है, और कुछ कंट्रीज जैसे सिंगापुर है ना, थाईलैंड है, लोग जहाँ पे घूमने फिरने जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है जो इनकी इनके जो कंट्री के जो GDP है ना वो टोटली टूरिज्म पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। मालदीव्स वगैरह है ये सारे कंट्रीज, तो इनका जो अर्निंग है ना वो टूरिज्म से ही आता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टूरिज्म से ही बनता है, तो ये सारी चीज़ें आप डाल देना। यहाँ पे लोकल पीपल जो है इनको जॉब मिलती है, जैसे अकोमोडेशन वगैरह, फूड, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें हैं ना, इन सब में इनको रखा जाता है, इनको भी जॉब वगैरह प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इन्हांस करते हैं ग्रोथ ऑफ रिटेल ट्रेडिंग को, क्राफ्ट बिजनेस को और इंडस्ट्रीज को, ओके। 23 क्वेश्चन पे मूव करेंगे, मेंशन 3 कॉसेस फॉर द डिटेरियोरेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर इन इंडिया, तो किस तरीके से जो पानी की क्वालिटी है वो दिन ब दिन डिक्रीज होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है, उसके बारे में आपको बताना है। एंड और में क्या बोल रहा है, मेंशन 3 प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वाटर इन इंडिया, तो कोई भी आपको 3 प्रॉब्लम्स बतानी है कि इंडिया जो है वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है पानी को लेकर, ठीक है। तो इसके आंसर्स देख लेते हैं, तो 23rd का आंसर देखेंगे, यहाँ पे 3 कॉजेज दे रखे हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे पहली चीज़ है फॉरेन सब्सटेंसेस, तो इसमें क्या है आपका जो केमिकल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल चीज़ें होती हैं ना, ये सारी क्या करती है पानी को पॉल्यूट करती हैं। उसके बाद जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस वगैरह होते हैं ये भी पानी को पॉल्यूट करते हैं, वाटर सोर्सेज को बेकार करते हैं, ठीक है, और ये क्वालिटी जो होती है पानी की उसको भी डिक्लाइन करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है जो एक्वेटिक लाइफ होती है ना, जो समुद्र में जीव जंतु, पानी में जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उनमें क्या है उनकी लाइफ को यहाँ पे हार्म होता है, ओके। और नेक्स्ट है यहाँ पे टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, तो अगर वो सीप डाउन हो जाते हैं तो वो ग्राउंड वाटर को भी हार्म करते हैं, बेकार करते हैं, ठीक है। तो आप ये तीनों जो कॉजेस हैं ये डाल देना। उसके बाद और मैं यहाँ पे हमने देखा था कि 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिया फेस कर रहा है। पहला है इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर, यानी फ्रेश वाटर वैसे तो वर्ल्ड में ही बहुत कम है, और इंडिया में अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से जो हमारा कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से फ्रेश वाटर की कमी होती जा रही है, ठीक है। दूसरा क्या डाल सकते हो आप, वाटर पॉल्यूशन डाल सकते हो, अब पॉपुलेशन है तो पानी को पॉल्यूट भी करेंगे, है ना, तो इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, अर्बनाइजेशन दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो वो चीज़ें क्या कर रही हैं पानी को पॉल्यूट कर रही हैं। एंड थर्ड आप डाल सकते हो अन ईवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और पानी की जो अवेलेबिलिटी है ना वो हर जगह एक जैसी नहीं है, ठीक है ना, तो कहीं पर ज़्यादा पानी है, कहीं पर कम पानी है, तो लोगों को क्या है प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है। जैसे मेगा सिटीज़ हैं, बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है ना, पर पर्सन जो पानी है ना वो 135 लीटर
कंप्यूटर मिलना चाहिए हर आदमी को, जिसमें क्या है वो अपने डेली नीड्स जो है कंप्लीट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मूव करेंगे सेक्शन डी में। तो यहाँ पे 5 मार्क्स क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो आपको इसके आंसर्स देने हैं। 24th क्वेश्चन देखते हैं, गिव अ ब्रीफ नोट ऑन डिफरेंट ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन द वर्ल्ड फ्रॉम अर्ली पीरियड टू द प्रेजेंट डे। तो आपको वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है कि पहले का जो जीवन हुआ करता था मतलब किस हिसाब से होता था, और आज की डेट में कैसे है, और कितना इंक्रीमेंट हुआ है, क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको डालनी है। उसके बाद और जो है इसमें क्या बोल रहा है, डिस्पाइट हैविंग मैग्नेटिक इफेक्ट सिटी लाइफ इज कंसिडर्ड वेरी डिफिकल्ट टू लिव एंड एक्सप्लेन वाई। तो सिटी लाइफ के बारे में पूछ रहा है कि किस तरीके से जो अर्बन एरियाज होते हैं वहां पर रहना दुर्लभ हो जाता है, तो उसका रीजन आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर्स देख लेते हैं इसके। तो 24th का आंसर जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर है। तो किस तरीके से पहले 8000 से लेके 12000 साल पहले पॉपुलेशन जो ग्रोथ थी ना, वो बहुत ही स्लो रेट में थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है यहाँ पे 1st सेंचुरी के आसपास, जो 1st AD जिसको बोलते हैं, वहाँ पे 300 मिलियन हो गई। 300 मिलियन का मतलब है 30 करोड़। ठीक है, उसके ओके उसके बाद यहाँ पे फिर बोल रहा है कि किस तरीके से 1600 AD के पास जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है 0.5 बिलियन एंड एक्सपेंड होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाता है, ट्रेड आ जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे इंप्रूवमेंट होता है पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर हम देखेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो टच करती है 1 बिलियन 1830 तक, यानी 1830 तक 1 बिलियन हो जाती है। 1 बिलियन का मतलब हो गया 1 अरब। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी थी, एडवांस हो रहे थे हम धीरे धीरे, तो इसकी वजह से क्या है, लोगों की जानें यहाँ पे बच रही थी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी आ गई थी, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही थी। तो ये सारी जो ये इसकी वजह से क्या है, जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है ना, वो एक तरीके से कम हो जाता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है ये भी बेटर कंडीशन में आ जाता है ना, लोग जो है वो अपने न्यूट्रिशन वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, और यहाँ पे फेमाइन वगैरह भी है, ये भी कम हो जाते हैं। एंड 20th सेंचुरी के आसपास जो है कैसे पॉपुलेशन का जो एक्सपेंशन होता है वर्ल्ड वॉर टू के बाद, क्यों? क्योंकि मेडिकल साइंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है पब्लिक हेल्थ को लेके। उसके बाद यहाँ पे जैसे रिसेंटली डिकेड में देखा गया है कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है ना, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही है, क्योंकि एक तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं अपनी हेल्थ के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति। और यहाँ पे 2021 में जो है हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड की जो है 7.9 बिलियन हो गई थी, एंड आज की डेट में जो है हमारी पॉपुलेशन है 8 बिलियन। ठीक है, 8 टाइम्स लार्जर हो गई, क्योंकि 1 बिलियन हुआ करती थी, उसके बाद 8 गुना जो है वो बढ़ गई है, 8 टाइम्स हो गई है। तो यानी 8 अरब जो है हमारी जनसंख्या पहुंच चुकी है वर्ल्ड की। ठीक है, तो ये सारा आप पढ़ लेना स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे और मैं क्या बोल रहा है कि किस तरीके से जो सिटी लाइफ है ना, वो अफेक्ट करती है हमारे सोशली, हमारे एनवायरमेंटली एंड हमारे इकोनॉमिकल चीज़ों पर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर हम सिटीज़ में जाके बसते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं, जैसे क्या, वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत होता है, वाटर सॉइल, मतलब कोई भी चीज़ जो है आपको शुद्ध नहीं मिलेगी, वातावरण वगैरह सब कुछ बहुत अशुद्ध मिल जाएगा आपको सिटीज़ में चले जाइए। उसके बाद यहाँ पे ओवर एक्सप्लोटेशन होता है रिसोर्सेज का, एंड नेक्स्ट है आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट है ना, वो क्या करता है, एनवायरमेंट को हार्म करता है। आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े सिटीज़ में कितने बड़े बड़े कचरे के पहाड़ हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो ग्रीन स्पेस है ये बहुत कम हो जाता है, जैसे गाँव में कितनी हरियाली होती है, खेत खलियान होते हैं, शहरों में आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको ग्रीन स्पेसेस नहीं मिलेंगी। एंड यहाँ पे क्या है, स्मॉल लिविंग स्पेसेस होती है, लोग जो है एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, क्योंकि जगह की कमी होती है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक रीजंस भी होते हैं यहाँ पे, लोगों के पास क्या है, फूड वाटर एंड हाउसिंग की शॉर्टेज हो जाती है सिटीज में रहने के बाद। और यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे बढ़ जाती हैं, और जो वेजेस है वो भी लो मिलता है, क्योंकि सब लोग यहाँ पे आ जाते हैं ना काम करने के लिए शहरों में, तो इसीलिए वेजेस क्या यहाँ पे कम मिलता है, पुअर वर्किंग कंडीशंस हो जाती हैं, ओवर क्राउडिंग हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा मुंबई वगैरह शहरों में बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो माइग्रेट होते हैं दूसरे शहरों से, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आपको कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा, लो वेजेस में भी आपका ज़िंदगी का पालन हो जाएगा। तो इस वजह से बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण होता है किसी भी सिटीज़ वगैरह में जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद सोशल रीजंस भी अगर हम इसमें डालें तो यहाँ पे क्राइम्स वगैरह बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, बाहर से जो पर्सन आ रहे हैं, नहीं पता है किस तरीके के हैं, तो उनको क्या, कौन सी उनकी सोशल वैल्यूज़ हैं, किस बैकग्राउंड से वो आ रहे हैं, कुछ नहीं पता है। ठीक है, लेकिन वो अर्बन एरियाज़ में जाके सेटल हो जाते हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पे क्राइम्स इंक्रीज होते हैं और लॉ एंड ऑर्डर जो है ये प्रॉब्लम में आता है अर्बन एरियाज में। उसके बाद लैक ऑफ कम्युनिटी, आपने देखे होंगे बहुत सारे जितने भी क्राइम्स वगैरह होते हैं मोस्टली शहरों में ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद लैक ऑफ कम्युनिटी इंगेजमेंट होता है, लोग किसी से घुलते मिलते नहीं है इतना, अपने से अपने काम रखते हैं, ठीक है। उसके बाद सोशल डिस्ट्रेस यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ये अपने अड़ोसी पड़ोसियों से किसी से इतना बात करना पसंद नहीं करते जितना गाँव में जो सादा सा जीवन होता है ना, सब एक साथ घुल मिल के रहते हैं, ऐसा शहरों में नहीं देखा जाता, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे 25th क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोल रहा है व्हाट आर द लिमिटेशंस एंड द एडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। तो आपको एडवांटेजेस भी बताने हैं एयर ट्रांसपोर्ट के और कुछ लिमिटेशंस भी बतानी है उसके, ठीक है। और में इसका क्या बोल रहा है, व्हाट इज जीपीएस, है ना, जीपीएस एंड व्हाट आर इट्स वेरियस यूजेस। तो जीपीएस जो है ये क्या है और इसके क्या यूजेस होते हैं, तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। 25th क्वेश्चन का आंसर देख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फोकस करते हैं इसके लिमिटेशंस पे, एयर ट्रांसपोर्ट की आपको लिमिटेशंस बतानी है, यानी क्या इसकी नेगेटिविटी है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसको मिडिल क्लास पीपल एंड लोअर क्लास पीपल जो है ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि जो ये एयरक्राफ्ट है ना, इनको रखने के लिए प्रॉपर हैंगर चाहिए, है ना, इनको लैंडिंग फ्यूलिंग चाहिए, मतलब एक तरीके से इनका मेंटेनेंस चार्जेस जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसके बाद जो एयरपोर्ट्स हैं ये क्या है, हाईली इंडस्ट्री लिस्ट कंट्रीज जो है इनमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और ये यहाँ पे एक तरीके से ट्रैफिक को क्रिएट करते हैं, ठीक है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज होंगे ना उनके पास जो है एयर ट्रांसपोर्ट जो है ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या है, वहां पर ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं, लेकिन इसके एडवांटेजेस क्या है वो भी देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा एक फेमस ट्रांसपोर्ट है, कहीं पे लैंडस्लाइड हो गई, एवलांचेस आ गए हैं या हैवी स्नोफॉल हो गया है, तो वहां पे भी आप क्या है एक तरीके से एयर ट्रांसपोर्ट की ही चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। तो एयर ट्रांसपोर्ट जो है ये कनेक्टिविटी बनाता है पूरा वर्ल्ड वाइड, एक रेवोल्यूशन लेकर आ गया है पूरे वर्ल्ड में का, ठीक है स्टूडेंट्स, ये डाल देना। उसके बाद यहाँ पे जीपीएस के बारे में बोल रहा है, तो जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो ये जीपीएस जो है, जैसे आप अगर कहीं पर जाते हो आपको रास्ता नहीं पता है तो आप जीपीएस के माध्यम से उसकी लोकेशन वगैरह सर्च कर सकते हो, प्रॉपर जगह पर पहुँच सकते हो। तो ये बहुत ही नेविगेशन, मतलब रेडियो नेविगेशन का काम करता है आपको, जैसे शिप वगैरह जो है वो भी रास्ते जब भटक जाते हैं तो वो किस तरीके से जीपीएस का यूज करते हैं। और उसको किसने डेवलप किया था, यूएसए ने डेवलप किया था, ठीक है। ये अपनी मिलिट्री में, अपने सिविल एंड कमर्शियल एरियाज में उसको बहुत यूज करता है। और जीपीएस जो है एक बहुत ही पावरफुल एंड डिपेंडेबल चीज है आज की डेट में, क्योंकि ये कुछ जो सेक्टर्स है ना वो पूरी तरीके से जीपीएस पर डिपेंड है, जैसे आपके साइंटिस्ट हैं, आपके पायलट्स हैं, आपके बोट कैप्टन्स हैं ना, ये सब जीपीएस को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और जीपीएस जो है हमको क्या बताता है, इसके जो मेन यूजेस हैं वो क्या है, पहला है लोकेशन है ना, आपको प्रॉपर लोकेशन पे पहुंचा देगा। उसके बाद नेविगेशन है, जैसे शिप वगैरह से जा रहे हैं तो नेविगेट कर रहे हैं, लोकेशन जो है वो पता लगती है। उसके बाद ट्रैकिंग है, आप कहीं ट्रैक कर रहे हो माउंटेनियस एरिया में तो आप मॉनिटर कर सकते हो उसको, उसके मैपिंग में हेल्प ले सकते हो, और टाइम वगैरह, ठीक है। तो ये जीपीएस के क्या है, मेन फंक्शंस हैं जो हमें पता लगते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट मूव करते हैं 26th क्वेश्चन पे। व्हाट आर सम ऑफ द मेजर्स दैट कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हमको क्या क्या मेजर्स अपनाने चाहिए। और 27th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। व्हाट आर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया। तो नेशनल हाईवेज के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप इसके आंसर्स देख लेते हैं। 26th का आंसर है कि किस तरीके से हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे कि ऑटोमोबाइल्स जो हैं वो दिन ब दिन क्या है, रिप्लेस्ड होते जा रहे हैं, नए नए वर्शंस पे आते जा रहे हैं। और जैसे कि कोल है वो प्रोड्यूस करता है पॉइजनस गैस, ठीक है, रिलीज करता है एयर के अंदर पॉइजनस गैस वगैरह। तो इसी वजह से क्या है, यहाँ पे जो इंजन्स हैं उनको भी एक तरीके से इलेक्ट्रिक इंजन्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, और यहाँ पे डीजल इंजन्स को एक तरीके से थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रिक बैटरी सब चीजों पे आते जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है एक जो, क्योंकि जहां पे भी आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह है ना उनको थोड़ा सा दूर बनाना चाहिए रेजिडेंशियल एरिया से, है ना। तो क्योंकि वहां से क्या, इंडस्ट्री से जो धुआं वगैरह निकलता है, जो भी पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, तो वो रेजिडेंशियल एरिया के लिए खतरनाक हो सकती हैं। तो इसी तरीके से हमें क्या है, न्यूली डिजाइन जो है वो फर्नेस बनाने चाहिए, जो भट्टे होते हैं ना, जैसे जिसमें से धुआं निकलता रहता है हर टाइम, है ना। तो जैसे ईंट के भट्टे हैं या बाकी के जो भी आपके फर्नेस भट्टी वाली जो चीजें हैं, तो वहां
पे ऐसे भी मतलब स्मोक फ्री उनको बनाना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए और यहाँ पे क्या है प्रॉपरली चेक करना चाहिए फॉरेस्ट फायर को, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान देनी चाहिए एंड इंडस्ट्रीज वगैरह जो है इनको भी अरेंजमेंट करना चाहिए कि किस तरीके से पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। तो आपने देखा भी होगा कि इंडस्ट्रीज जो है उसके चारों तरफ पूरा जो है यहाँ पे एक तरीके से प्लांट्स वगैरह या पेड़ वगैरह लगाए जाते हैं। और यहाँ पे क्या है हमें रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे टाइडल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है ना, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या होती हैं दोबारा से जनरेट हो सकती हैं, दोबारा से रिन्यू हो सकती हैं, लेकिन जो कन्वेंशनल एनर्जी है वो रिन्यू नहीं हो सकती, इसलिए हमको यहाँ पे स्विच करना पड़ेगा। और हमको क्या है कि एयर पॉल्यूशन के लिए कुछ डिवाइसेस वगैरह जो है इनको डेवलप करना चाहिए एंड यहाँ पे जो है गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो है जनरल पब्लिक के लिए, तो यहाँ पे एयर पॉल्यूशन का प्रॉपरली चेकअप होते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब आप एक बार देख लेना अच्छे से स्टूडेंट, पढ़ लेना, समझ लेना। उसके 27th क्वेश्चन हमने क्या देखा था, नेशनल हाईवेज के ऊपर था। तो हमारे भारत में जितने भी नेशनल हाईवेज हैं वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर आते हैं, जिसको NHAI बोलते हैं, NHAI, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है ये पैसेंजर्स एंड एज वेल एज द गुड्स एंड कम्युनिटीज को भी कंट्रोल करता है। जो हाईवे है देखो वहाँ से लोग भी जा रहे होते हैं और बहुत बड़े मतलब आपके जो बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह हैं, टैंकर्स वगैरह हैं, ये भी मूव करते हैं रोड्स पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाईवे जो है ये कनेक्ट करता है मेजर सिटीज को, है ना, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को, रेलवेज जंक्शंस, इन सब को कनेक्ट करता है हाईवे। तो जैसे कि हमारी मिनिस्ट्री है ना जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज वाली, तो उसके मिनिस्टर कौन है, उनका नाम है नितिन गडकरी साहब, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है कि किस तरीके से जो नेशनल हाईवेज हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, है ना, उनका मेंटेनेंस किया जाए, उनका कंस्ट्रक्शन किया जाए, ये इसके अंडर में आते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है स्टूडेंट कि हमारे भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। नेक्स्ट मूव करते हैं 28th क्वेश्चन पे। पूछ रहा है व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग एंड वेयर इट इज प्रैक्टिस्ड इन द वर्ल्ड एंड गिव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। तो मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में आपको बताना है और ये वर्ल्ड में कहाँ कहाँ प्रैक्टिस की जाती हैं, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आपको बताने हैं। एंड और मैं बोल रहा है इसके कि स्टेट 5 फीचर्स ऑफ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग इन द वर्ल्ड, तो आपको 5 फीचर्स बताने हैं कमर्शियल लाइफ स्टॉक के जो वर्ल्ड में प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। तो इसके आंसर्स देख लेते हैं। 28th का आंसर देखेंगे कि मिक्स्ड फार्मिंग जो है ये एक तरीके से ऐसा फॉर्म है जहाँ पे क्रॉप्स एंड एनिमल हस्बेंड्री जो है ये एक साथ की जाती है। कुछ इस तरीके से देखें तो हम जैसे यहाँ पे क्या है आपके क्रॉप्स एंड एनिमल्स जो है ना इनकी रियरिंग एक साथ ही की जा रही है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फार्मिंग बोलेंगे। और यहाँ पे जो इसका एरिया ऑफ प्रैक्टिस होता है ना, तो वो कहाँ कहाँ होता है, जैसे यूरोप में है ना, नॉर्थ वेस्टर्न जो यूरोप है यहाँ पे होता है, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में इसको यूज किया जाता है। तो इस तरीके की जो मिक्स्ड फार्मिंग है वो इन कंट्रीज में प्रैक्टिस की जाती है स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे जो आप क्रॉप्स में देखोगे ना कि मिक्स्ड फार्मिंग के जो क्रॉप्स हैं उसमें क्या क्या ये यूज करते हैं, जैसे वीट उगाएंगे, बार्ले उगाएंगे, ओट्स है, मेज है, राय है, ठीक है। तो इनका जो साइज होता है फार्म्स का वो स्मॉलर इन साइज होता है। यहाँ पे क्या है जो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल होती है ना इसको मेंटेन किया जाता है क्रॉप रोटेशन के द्वारा और इंटरक्रॉपिंग के द्वारा। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स पे उगा सकते हो, लेकिन जो इंटरक्रॉपिंग होती है वो एक ही टाइम पे आप डिफरेंट क्रॉप्स उगा सकते हो, ठीक है ना। ये लेकिन ये क्या है हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है स्टूडेंट, क्योंकि ये लोग अपने एग्रीकल्चर के साथ साथ ना मशीनरीज वगैरह इन सबको भी मेंटेन करते हैं, है ना, इसको भी कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए यूज करवाते हैं अपने लाइफ स्टॉक के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि उनको प्रॉपरली फर्टिलाइजर्स की भी जरूरत होती है, मैन्योर की भी जरूरत होती है, तो ये सारी चीज़ों की जरूरत होती है, इसीलिए क्या है ये हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इसको चाहिए। उसके बाद और में हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या बोल रहा है कि कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग जो होती है ये कहाँ पे होती है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहले चीज है कि कैपिटल इंटेंसिव होती है ये, तो कमर्शियल है ना तो किसी भी तरीके से कैपिटल आपको गेन करना ही पड़ेगा इन सब चीजों के लिए। ये एनिमल्स के द्वारा करवाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है जैसे परमानेंट रेंचेस होते हैं, बड़े बड़े जो फार्म्स वगैरह जो खेत वगैरह होते हैं ना, तो उनको मेंटेन किया जाता है इन चीजों के लिए। और यहाँ पे क्या है कि जैसे इस एरिया में तो यहाँ पे आपने एग्रीकल्चर कर दिया फिर, लेकिन कुछ जो एरिया होगा ना वो आपको ग्रेजिंग के लिए रखना पड़ेगा, अपने एनिमल्स की ग्रेज के लिए रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ में क्या है ये एनिमल रियरिंग भी करते
करते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है, ये एनिमल रियरिंग है, यहाँ पे जैसे पिग को रियर्ड किया जा रहा है। अब इससे क्या चीज़ें ये यूज़ करेंगे, जैसे पिग जो है उसका फ्लैश किस लिए यूज़ होता है ना, कितनी सारी चीज़ों में यूज़ होता है, तो वो उसके लिए यहाँ पे रियर्ड किया जा रहा है स्टूडेंट। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो साइंटिफिक बेसिस भी होते हैं इसके, जैसे यहाँ पे क्या है कि इनको मेंटेन किया जाता है कि भाई कोई बीमारी ना फैल जाए इसके अंदर, है ना, कोई जेनेटिक इंप्रूवमेंट वगैरह इनमें करवाया जाता है, इनकी ब्रीडिंग भी करवाई जाती है ना, अलग अलग तरीके की जो ब्रीड्स होती हैं वो ये साइंटिफिक बेसिस के हिसाब से ही हो पाती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डाइवर्स प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं ना, तो ये क्या है साथ में जैसे अपने एनिमल्स वगैरह को रखते हैं तो उनसे क्या है क्या क्या चीज़ें ये ले सकते हैं, जैसे मीट है, वूल है, है ना, उसके हाइड से स्किन है एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें जो है ये कमर्शियल लाइफ स्टॉक के लिए काम आती हैं। और ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये कौन से कंट्रीज में की जाती हैं, जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, यूएसए है, तो यहाँ पे ये ऐसे खास कंट्रीज हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है, क्या कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग जो है इन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं सेक्शन ई पे, तो यहाँ पे क्या है आपको टू मैप बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, एक इंडियन पॉलिटिकल का मैप मिलेगा, एक आपको वर्ल्ड का मिलेगा। तो यहाँ पे जो है इंडिया की लोकेशन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है स्टूडेंट, ये है बिहार, ओके। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है अ सी पोर्ट इन वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल का जो सी पोर्ट है इसका नाम है हल्दिया। उसके थर्ड बोल रहा है अ मेजर सी पोर्ट, तो मेजर सी पोर्ट ये कहाँ पे है, ये है मार्मा गांव, ठीक है, ये आपका गोवा में पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ वाला देखेंगे द लीडिंग स्टेट फॉर वीट प्रोडक्शन, तो कौन सा स्टेट है वो सबसे ज्यादा वीट प्रोडक्शन करता है, ये है उत्तर प्रदेश, हमारा प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे खेतरी कॉपर माइंस, तो खेतरी कॉपर माइंस कहाँ पे हैं, ये है राजस्थान में स्टूडेंट, ये बहुत पुरानी है, तो हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम से ही यहाँ पे जो है कॉपर माइंस देखी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है एन ऑयल रिफाइनरी इन गुजरात, तो ये है जामनगर रिफाइनरी गुजरात के अंदर, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अ कोल माइन इन तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का जो कोल माइन है, जो कोयले की खदानें हैं वो है नायवेली में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट आप पूरी लोकेशन अच्छे से देख लेना, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है लोकेशंस को प्रॉपरली देखना, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये दोनों के दोनों, इंडिया वाला भी और वर्ल्ड वाला भी। उसके बाद वर्ल्ड पे मूव करते हैं, यहाँ पे देखेंगे 30th क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है द एरिया ऑफ कमर्शियल एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग, तो यहाँ पे एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग जो है ये कहाँ होती है, ये होती है वेल्स इन साउथ अफ्रीका। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, जैसे यहाँ पे इसने ना लोकेशन दे दी है, तो आपको यहाँ पे अफ्रीका में दे रखी है तो वेल्स मार्क करना है, ऐसे ही यहाँ पे जो अगर यहाँ पे दे रखी होगी नॉर्थ अमेरिका में दे रखी होगी तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रेरीज करना है, है ना। उसके बाद यहाँ पे यूरोप में दे रखी होगी तो आपको स्टैपीज करना है, उसके बाद यहाँ ब्राजील वगैरह में दे रखी होगी तो आपको पंपास करना है, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है कमर्शियल एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग जो है ये वर्ल्ड में कहाँ कहाँ की जाती है, तो लोकेशन यहाँ दे रखी है तो आप वेल्स डाल देना क्योंकि ये साउथ अफ्रीका में है। उसका नेक्स्ट बोल रहा है एन एरिया ऑफ लाइफ स्टॉक रियरिंग, तो लाइफ स्टॉक रियरिंग का अभी जस्ट हमने आंसर में ही देखा था, तो न्यूजीलैंड यहाँ पे जहाँ पे एनिमल्स को लाइफ स्टॉक किया जाता है, एनिमल्स की रियरिंग की जाती है, तो ये न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, है ना, अर्जेंटीना, ये कंट्रीज अभी हमने देखे थे अपने आंसर में ही। उसके नेक्स्ट बोल रहा है एन इनलैंड वाटरवे, तो इनलैंड वाटरवे कौन सा है, ये है पनामा कैनाल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस यहाँ से ये जो लैंड है ना सुकट करके यहाँ पे एक नहर बनाई गई है, क्योंकि ये शॉर्टकट है एक तरीके से, नहीं तो ये क्या है, ये अटलांटिक ओशियन है और ये पैसिफिक ओशियन है, तो इसको अगर हमें विजिट करना पड़ेगा बहुत घूम के जाना पड़ेगा, तो इसलिए क्या है ये इसका शॉर्टकट है, पनामा कैनाल बनाई गई है, ये ज्वाइन करता है पैसिफिक को अटलांटिक से। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे एन एरिया ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो ये कहाँ पे किया जाता है, ये मैक्सिको डाल देना स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेजर एयरपोर्ट इन जापान, अब देखो जापान प्रॉपरली दे रखा है कि जापान में ही आपको मार्क करना है, तो ये है आपका टोक्यो, ठीक है, जापान की राजधानी। उसके बाद सिक्स्थ पूछ रहा है अ मेजर सी पोर्ट, तो मेजर सी पोर्ट जो है वो यहाँ पे बता रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे मार्किंग कर रखी है, चिली हो जाएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है अ मेजर एयरपोर्ट इन जर्मनी, अब जर्मनी में यहाँ पे मार्क कर रखा है तो जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ का मेजर एयरपोर्ट हो जाएगा जर्मनी का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या है आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है ये भी फिनिश होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी फिनिश होते हैं, तो आप सैंपल पेपर को अच्छे से देख लेना, मुझे लगता है कि ये सारे सैंपल पेपर जो है आपके काफ़ी काम आएंगे।
आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा आंसर राइटिंग करने में, आप क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी तो आपको क्लियर रखनी ही है, साथ में मतलब सारे फैक्ट्स सारे जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है आपको प्रॉपर क्लियर करने हैं एनसीईआरटी से, लेकिन सैम्पल पेपर आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए स्टूडेंट्स। बाकी के जो भी शॉर्ट नोट्स हैं, लॉन्ग नोट्स हैं, सारी जो इसकी पीडीएफ है ना 1 से लेके 15 तक के जितने भी सैम्पल पेपर हैं ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, इकोनॉमिक्स के, तो अरिहंत एंड ओसवाल, तो इसके जो सैम्पल पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी स्टूडेंट्स। एंड मैंने साथ में जो है पॉलिटिकल साइंस की पूरी आपको अरिहंत के सैम्पल पेपर की वीडियोस बना के दे दी हैं, तो आप उसको जरूर एक बार चेक करना। बाकी के हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी चली रही है, एग्जाम से पहले हम ऐसे फिनिश कर देंगे। आई होप आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे और इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मोटिवेट रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।